जोरू कलेक्ट्रेट पे पड़ाव डाले हुए कल किसानों को 68 दिन हो जाएंगे। गवर्नमेंट का जो फैसला है उसको कल रिव्यू कराएंगे। सरकार की मंशा में खोट है, उस खोट को कल ठीक कर देंगे। किसान एकजुटता रैली में हुंकार भरेगा जिले का किसान। क्रॉप कटिंग सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिले का किसान पिछले 67 दिनों से जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे पड़ाव डाले हुए है। अब बुधवार को पड़ाव के 68वें दिन किसान सभा के नेतृत्व में किसान एकजुटता रैली के माध्यम से जिले के किसान हुंकार भरेगा। किसान सभा के निर्मल गहलोत ने बताया कि बुधवार को आयोजित होने वाली किसान एकजुटता रैली में जिले भर के किसान शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि जब किसान महापड़ाव शुरू हुआ था तो सरकार के अफसरों ने 10 दिन का समय मांगा था और विश्वास दिलाया था कि सभी व्यवस्थाएं ठीक कर देंगे, लेकिन आज 67 दिन बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक भगले, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत तथा किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरा राम भी रैली में शिरकत करेंगे। जोरू कलेक्ट्रेट पे पड़ाव डाले हुए कल किसानों को 68 दिन हो जाएंगे। 68वें दिन हमने किसान एकजुटता रैली का आह्वान किया है। करीब 2021 का फैसला सरकार ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज करके सैटेलाइट का किया है, उसको लेके पूरे जिले का किसान एकजुट है और हम स्टेट गवर्नमेंट का जो फैसला है उसको कल रिव्यू कराएंगे। देखिए, पहले किसान इकट्ठे होंगे, हमने आज भी प्रशासन के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें अल्टीमेटम के तौर पर 2 शब्दों में कह दिया कि अभी लंबा समय हो गया लड़ते, सरकार 22 जून को सरकार के अफसर कह रहे थे कि हमें 10 दिन का समय दो, आज 1 महीना 14 दिन हो गए अभी तक उनके, इसलिए इसका मतलब ये है कि सरकार की मंशा में खोट है, उस खोट को कल ठीक कर देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक डवले आ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आ रहे हैं और किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरा राम जी आ रहे हैं। बाकी किसान सभा के जिले के स्टेट के और भी अन्य लीडर जो फसल बीमा के मसले पर रुचि रखते हैं वो भी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं।